अस्सलाम वालेकुम। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आज हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म किस चीज़ का है जी? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि हमने एक इलेक्ट्रोफाइल लेना है और बेंजीन रिंग में से कोई एक चीज़ हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, उसकी जगह पर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है। उसके लिए कितने स्टेप्स होंगे, किस स्टेप में मैकेनिज्म कम्प्लीट होगा? अगर बेसिकली देखा जाए तो स्टेप दो ही है इस मैकेनिज्म में। दो स्टेप हैं। एक स्टेप में क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी वो बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। अब इसको पूरे पूरे डिटेल पढ़ेंगे, ये किस तरह अटैक करता है, किस तरह वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर वन में याद रखिएगा कि स्टेप नंबर वन कि आपका कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे। मैं कहता हूँ ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये कुछ है इस तरह की। अब बेंजीन रिंग में आपको पता है जी पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पे मौजूद होता है, सही है, हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। अब यहाँ मैं कहता हूँ जी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा था। एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रोफाइल दो तरह के हो सकते हैं, या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, या फिर उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल, या फिर एक और टर्म भी यूज़ करते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब है उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, अभी उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग पे अटैक करेंगे। ये किस तरह अटैक करते हैं जी, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बात याद रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। हमेशा अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में होती है, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नेगेटिव के दरमियान में अट्रैक्शन नहीं होगी। और ये बात आपने हमेशा पढ़ी होगी जी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और हम कहते हैं अगर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसमें होता क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन देता है, एक दूसरा हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों शेयर करते हैं, शेयर करने की वजह से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो सिंपल बात मैं कहूँ, एक कोवलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। अब होता क्या है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर अटैक करेगा, सही है, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, हमेशा एक बात और जो जहन में रखने वाली है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज का अटैक होता है पॉजिटिव चार्ज पे। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा इलेक्ट्रॉन रिचेस्ट स्पेशी है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशी अटैक करती है पॉजिटिव चार्ज पे, सही। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, किस तरह हमें पता चला जी, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे मौजूद है, दो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। अब होता क्या है, जैसे ही इसके ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे कुछ ये वाला काम हो जाता है कि यहाँ पे ये बॉन्ड तो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है, एक बात याद रखिएगा बेंजीन रिंग में ये अंडरस्टूड बात होती है, इस तरह कुछ स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग में, ये अंडरस्टूड बात होती है, हर कोने पे एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, ये अंडरस्टूड बात है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये कुछ इस तरह से हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ से मैंने क्या किया जी, यहाँ पे अगर ये अटैक कर रहा है इस कार्बन एटम पे लगता है तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन तो बाहर आ जाता है वो आ जाएगा यहाँ पे, सही, ये मेरे पास ई लग गया और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको पता है जी कार्बन एटम कितने मैक्सिमम बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाएगा, अगर कम या ज़्यादा होंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे हमने देखा जी ये वाला बॉन्ड यहाँ पे सिंगल हो गया, सिंगल होने के बाद यहाँ पे आग कौन सी चीज़ अटैच होगी कि ई अटैच, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल हो, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया। यहाँ पे इस कार्बन एटम के बॉन्ड देखेंगे, इस कार्बन एटम के एक बॉन्ड ये और एक हाइड्रोजन सा, एक बॉन्ड की कमी होगी। अब यहाँ पे क्या होता है, होने शुरू हो जाता है जी रेजोनेंस होने शुरू हो जाती है, इस स्ट्रक्चर की थोड़ी सी रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस होती है किस तरह जी, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि एक जगह से बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है, बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाती है। अब अगर यहाँ पे देखो ना, ये काम इस तरह है, ये वाली चीज़ मैं वही बना रहा हूँ। अब यहाँ पर रेजोनेंस होने का तरीकाकार बताने लगे हैं कि किस तरह रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस होने का तरीकाकार के इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे तो इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन एटम है उसके तीन बॉन्ड बन गए, सही है। ये क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस हुई और हमारे पास आप ये चेक कीजिएगा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब ये वाला बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड कुछ नहीं होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे की वैसे ई और एच। और मे भी बार दफ़ा ये होता है कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा,
क्यों वहाँ पे क्रिएट होगा? क्योंकि वहाँ पे एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी होगी, कार्बन एटम मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, इसलिए यहाँ पे एक चार्ज की डेफिशिएंसी होगी। सही है। अब इसी तरह ना दोबारा फिर ये इस तरह पॉजिटिव चार्ज चेक करें, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ पे गया, यहाँ से फिर यहाँ पे गया, दोबारा फिर इसी तरह बैक, इसी तरह यानी कि ये मूव करता रहता है। इसी चीज़ का हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। कहते हैं आप बार बार इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करें, सिंपल ये काम करें कि ये सारी चीज़ें बराबर हैं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट किसके कि यहाँ पे बेंजीन की रेजोनेंस होनी शुरू हो जाती है, कहाँ कहाँ के दरमियान जहाँ जहाँ पे हो रही है ना वहाँ वहाँ पे आपने एक क्या करना है, सर्कल सा हाफ सर्कल कहते हैं, हाफ सर्कल लगा देना है। मतलब कहाँ तक हो रही है ये पॉजिटिव चार्ज तकरीबन तकरीबन इतने हिस्से से लेके इतने हिस्से के दरमियान रेजोनेट कर रहा है, यानी इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक ऑलमोस्ट रेजोनेट कर रहा है। चेक कर ले यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, चेक कर ले यहाँ पे क्रिएट हुआ है, फिर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यानी ऐसे गया है पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ है यहाँ तक गया है। यह तरीकाकार है कि किस तरह पॉजिटिव चार्ज रेजोनेट करता है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे देखा जाए, स्टेप नंबर 2 है, ये इस तरह बेंजीन रिंग अपने आप को थोड़ा बहुत स्टेबल कर लेती है, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल ही है। सही, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, बेंजीन रिंग स्टेबल तब ही होगी जब ये न्यूट्रल हो जाएगी। अब सेकंड स्टेप में होता क्या है, स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर टू में सिंपल सा काम होना है, ये जो बेंजीन रिंग है आपने इसको ले लेना, ये यही चीज़ मैं दोबारा फिर लेने लगा, ये वाली चीज़ मैंने ले ली है। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पे ए लगा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब इसमें ना कोई बेस डाल देते हैं, कोई भी बेस। सही है। अब जो बेस हो सकता है, सही, इसके पास क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे लोन पेयर होता है, मैं कहता हूँ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जो भी होगा, मैं कहता हूँ यहाँ पे बेस आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सी एल नेगेटिव यूज़ कर सकते हैं, OH नेगेटिव, यानी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, सिंपल बात कहूँ, आपने कोई भी बेस यूज़ करनी है, मैं कहता हूँ जी OH नेगेटिव यूज़ कर लिया, बेशक यहाँ OH नेगेटिव या सिंपल बेस लिखे हैं, बेस क्या करेगा कि यहाँ से ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने के बाद यहाँ से जो हाइड्रोजन एटम, यानी ये बॉन्ड शिफ्ट करने का मतलब ये है, ये बात याद रखिएगा, बॉन्डिंग शिफ्टिंग असल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर को बता रही होती है। मसलन मैंने पास यहाँ पे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे मौजूद है, एक यहाँ पे, असल में यहाँ बॉन्ड ट्रांसफर होने का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 कार्बन के एटम के दरमियान में आ गए और इनकी डेफिशिएंसी मुकम्मल हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से आया है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। सही, और ये जो एच पॉजिटिव यहाँ से निकलता है BH के साथ मिलता है और हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाती है, हमारे पास कुछ ये वाला कंपाउंड बन जाएगा 1, 2, 3 और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लग गया। सही है, और चार में BH बन जाएगा। अब देखिए इसको हमने कहा है जी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वो होते हैं जिसमें हम एक चीज़ को निकालें दूसरी जगह, उसी जगह पे कोई दूसरी चीज़ ला के ऐड कर दें, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन लिखा है। सब्सटीट्यूशन का मतलब हमने देखा, ये अमूमन क्रिकेट के फुटबॉल के अंदर काफ़ी टर्म इस्तेमाल की जाती है सब्सटीट्यूशन, ये कहते हैं ये सब्सटीट्यूट फील्डर है, सब्सटीट्यूट फील्डर का मतलब ये है कि यहाँ से कोई फील्डर गया है उसकी जगह पे ये चीज़ ये फील्डर आया है। अब यहाँ पे गौर करें तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट किया, किससे सब्सटीट्यूट किया, किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल से। अब हुआ यह है कि ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना, हमने बेंजीन रिंग में से यहाँ पे जो कार्बन, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन था, सिंपल मैं कहूँ जी हर एक कार्बन पे एक एक कार्बन एक एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था हम इसको निकाला है, निकाल के इसकी जगह पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल लगा दिए, लो जी ये काम किया सारे पूरे स्टेप में, सिंपल काम है जी कि इलेक्ट्रोफाइल को डाला है, हाइड्रोजन को निकाला है, और इसका जो स्टेप्स हैं मैकेनिज्म है इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी आपके रिएक्शंस हैं वो सारे के सारे इसको फॉलो कर रहे होते हैं, सारे के सारे इस मैकेनिज्म को फॉलो करके हो रहे होते हैं। आप सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जो मर्जी पुट करें, सेम मैकेनिज्म करें, आपके पास किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखने के काबिल हो जाएंगे। यही आज के लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।